नमस्कार दोस्तों आज का विषय वृत्त है हम वृत्त के भाग दो में वृत्त के कुछ और प्रेमें तथा चक्रीय चतुर्भुज और उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए हमने पिछले चलचित्र में जहां विराम लिया था वहां से आरंभ करें थियोरम फाइव अर्थात प्रेमय पांच एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है अब हम इसे सिद्ध करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र में पी क्यू वृत्त का चाप है OP तथा ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या है, हमने रेखा ए ओ बी को जोड़ दिया है इस चित्र में यह तो स्पष्ट है कि कोण बी ओ क्यू बराबर कोण ओ ए क्यू जोड़ कोण ओ क्यू ए साथ ही त्रिभुज ओ ए क्यू में ओ ए बराबर ओ क्यू चूंकि वो एक ही वृत्त की त्रिज्या है अतः कोण ओ ए क्यू बराबर कोण ओ क्यू ए इससे हमें यह पता चलता है कि कोण बी ओ क्यू बराबर दो गुणा कोण ओ ए क्यू इसी प्रकार हम यह भी सिद्ध कर पाएंगे कि कोण बी ओ पी बराबर कोण ओ यदि हम पिछले दो समीकरण अर्थात इक्वेशन को जोड़े तो हमें यह मिलेगा कि कोण पी ओ क्यू बराबर दो गुणा कोण पी ए क्यू तो इस प्रकार हम इस प्रेमय को सिद्ध कर पाएंगे थ्योरम सिक्स अर्थात प्रेमय 6। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है अब चलिए हम इसे सिद्ध करेंगे चाप पर केंद्र पर 180 डिग्री बना रहा है तो हम पिछले प्रेमय से बोल सकते हैं कि कोण पीए क्यू बराबर कोण पीओ क्यू बटे दो जो कि 180 बटे 2 के बराबर होगा और हम कोण पी ए क्यू को 90 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं अतः सिद्ध होता है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस प्रमेय का विलोम भी सत्य होता है थ्योरम सेवन अर्थात प्रेम सात एक ही वृत्ताखंड का कोण बराबर होता है जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं PQ इस वृत्त का वृत्ताखंड है OP तथा OQ इस वृत्त के त्रिज्या हैं, और हमें यह सिद्ध करना है कि कोण PAQ बराबर कोण सी क्यू यह भी पांचवे प्रेमय द्वारा आसानी से सिद्ध किया जा सकता है कोण पीओ क्यू बराबर दो गुना कोण पीए क्यू प्रेमय पांच से उसी प्रकार कोण पीओ क्यू बराबर दो गुना कोण पी सी क्यू तो इन दोनों समीकरणों से हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि कोण पी ए क्यू बराबर कोण पी सी क्यू अब समय है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के विषय में पढ़ने का एक चतुर्भुज एबीसीडी चक्रीय कहलाता है यदि उसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर हों। आप इस चित्र से समझ सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है अब हम इसके कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है सम्मुख कोणों का मतलब आमने सामने वाले कोण हैं। जैसे कि पिछले चित्र में कोण ए तथा कोण सी सम्मुख है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसका विलोम भी सत्य होता है यानी यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों कि एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय ही होगी एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण ए बी वृत्त का एक व्यास है और सी डी त्रिज्या के बराबर है सी डी त्रिज्या के बराबर एक जीवा है ए सी तथा बी डी बढ़ाए जाने पर एक बिंदु पर मिलते हैं सिज कीजिए कि की कोण ए बी e, बराबर 60 डिग्री है हल हम सबसे पहले ओ सी ओ डी तथा बी सी को मिलाएंगे त्रिभुज ओ डीसी एक संबाहु त्रिभुज है, क्योंकि सी डी त्रिज्या के बराबर है अतः कोण COD बराबर साठ डिग्री अब कोण सी बी डी बराबर कोण सी ओ डी बटे दो ये हमें प्रेमय पाँच से मिला इससे हम कोण सी बी डी को तीस डिग्री लिख सकते हैं पुनः कोण ए सी बी बराबर नब्बे डिग्री अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है इसलिए कोण BCE बराबर 90 डिग्री जिससे हमें यह पता चलता है कि कोण CEB बराबर 60 डिग्री अर्थात कोण AEB बराबर 60 डिग्री प्राप्त होता है चलिए दोस्तों अब हम दोहरा लें कि आज हमने क्या पढ़ा एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है एक ही वृत्ताखंड का कोण बराबर होता है चक्रिय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय होगी धन्यवाद दोस्तों इस प्रकार वृत्त का पाठ समाप्त होता है यदि आपको मेरा यह चलचित्र पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल का सदस्य जरूर बने एक बार फिर से धन्यवाद